न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो ब्लैकआउट की प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है उसका क्या ग्रिड पर असर पड़ सकता है। व्हाट इज द रिस्क टू द ग्रिड ऑफ द 9 मिनट ब्लैकआउट दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज रिक्वेस्टेड द पीपल टू इम्पोज एट 9 o'clock ऑन संडे। ग्रिड के जो अधिकारी हैं क्योंकि ये नेशनल ग्रिड है, रीजनल ग्रिड्स है और स्टेट ग्रिड्स है, सबके ऊपर इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या वो ग्रिड संभाल पाएंगे एकाएक अगर इतने बड़े पैमाने पे लोग अपना बत्ती बुझा देते हैं 9 बजे और 9 मिनट के बाद फिर जलाते हैं। इफ सडनली वी हैव ए ब्लैकआउट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द होल कंट्री स्विचिंग ऑफ इट्स लाइट्स एट 9 o'clock and after that 9 minutes switching it back, then can the grid really last? यह सवाल सब अधिकारियों के पास इस वक्त है, क्योंकि यह अगर एकाएक lights बुझती है तो करीब 10-20% load grid से चला जाएगा। At the moment we have about 120 gigawatts of load, peak load on the grid, which means at 9 o'clock it may be somewhere between 100 to 110 gigawatts of load, 110 gigawatt load तब रात के 9 बजे शायद रहेगा, क्योंकि इस वक्त domestic load ही हमारे grid पे एक बहुत बड़ा अंश है। grid का बहुत बड़ा अंश इस वक्त हमारा domestic load है। तो एकाएक अगर ये चला जाता है, ये संभावना है कि 10-20% load एकाएक grid से गायब हो जाएगा और फिर 9 मिनट बाद वापस आएगा। So this is not a minor amount of load that's going to go off. 10 to 20% of the load going off in about 9 minutes and coming back is a major loss for the grid, and it can create conditions by which the grid becomes unstable. Grid us waqt instability ki aur badh sakta hai. Agar ekaek is tarah se grid unstable hota hai aur grid collapse hota hai, तो 212 में जो ऑल इंडिया ब्लैकआउट्स हुए थे, जिसपे नॉर्दर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन ब्लैकआउट की तरफ चला गया था, वो फिर होने की संभावना है। एट दैट टाइम द ओनली द ईस्टर्न रीजन एंड द नॉर्दर्न रीजन हैड गॉन इन अ ब्लैकआउट, बट द वेस्टर्न रीजन एंड द साउदर्न रीजन सर्वाइव्ड। साउदर्न रीजन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया ग्रिड विच इट इज नाउ, एंड द वेस्टर्न रीजन डिड सर्वाइव द ब्लैकआउट। बट इफ दिस हैपेंस दिस टाइम that a part of the grid collapses, it probably will cause a cascading blackout across the country. Agar is bar grid collapse karta hai, kyunki southern grid is waqt pura all india grid ka part hai, to sambhavna ye hai ki cascading blackout pure desh mein ho sakta hai. Main ye nahi keh raha hu ki hamare adhikari grid adhikari isko bacha nahi payenge, ho sakta bacha payenge, par ye ek risk grid ke upar zarur hai jo adhikari log बता रहे हैं। तो दिस इज द बिग इशू, व्हाई आर वी रिस्किंग द ग्रिड एट दिस टाइम। इस वक्त हम ग्रिड पर इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर बिजली चला जाता है तो उसको वापस लाने में ये 1-2 घंटे का काम नहीं है, ये धीरे धीरे लाना पड़ता और इसके लिए 1 या 2 दिन भी लग सकता है। और अगर बिजली 1 से 2 दिन नहीं रहता तो जो हमारे क्रिटिकल लोड्स है, अस्पताल है और भी क्रिटिकल लोड्स है, उसकी हालत बहुत बिगड़ सकती है। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दैट द ग्रिड विल जस्ट सडनली कम बैक आफ्टर 1 to 2 hours। इफ अ ब्लैकआउट ऑफ द काइंड वी हैड इन 2012 टेक्स प्लेस, देन इट कैन बी ओनली ब्रॉट बैक स्लोली, एंड ब्रिंगिंग बैक स्लोली कैन टेक एनीथिंग बिटवीन 24 to 48 hours, इन विच केस our hospitals and other critical activities would also suffer grave consequences. तो ये सिर्फ अस्पताल और अदर क्रिटिकल दूसरे क्रिटिकल लोड्स के लिए नहीं, पूरे देश के जनता के लिए भी होगी, क्योंकि हम भी 1 या 2 दिन ब्लैकआउट के अंडर में रह सकते हैं जब ऑलरेडी हम लॉकडाउन में हैं। सो द पीपल ऑफ दिस कंट्री हु आर ऑलरेडी अंडर लॉकडाउन हैव द प्रॉस्पेक्ट आल्सो ऑफ ब्लैकआउट्स व्हिच कुड लास्ट बिटवीन 12 to 48 hours इफ द ग्रिड रियली कोलैप्सेस। अगेन आई वुड रिपीट, I am not saying the grid is going to collapse. I am saying we are creating conditions which are difficult for the grid,
and it can lead to instability of the grid and also the possibility of a grid collapse. And this, if it happens due to natural reasons, a grid transmission line tripping, then of course we can't do anything about it, we have to face it. But is it necessary for the Prime Minister to risk the grid at a critical time that we are in for benefits which are not clear? The only benefits that we can, the Prime Minister is talking about, is making the people feel united. But should such a feeling of unity be at the cost of risk? Modi ji baat kar rahe hain, isse ek unity ka hamara sandesh jayega desh ke janta ke beech. Kya is unity is khatre se khatre ke samna karna hame grid ke liye chahiye? Is this grid, is this unity of the people who should be at the risk of the grid, is the question that we have to ask the Prime Minister. And I would say all right thinking people, particularly the grid authorities, both at the center, region and the states, should tell the Prime Minister and other authorities that this is a risk the country should not take at this point. And this is a message also that should go to the chief ministers, that they should intercede with the Prime Minister, that do it in some other way, call for unity in some other way, but not at the risk of the grid. I would also end with this, that let's stop making gestures which are only for the sake of gestures. Let us make gestures which are real and have a meaning for the people and also can combat the epidemic. The lockdown, however ill-planned it was, at least had a medical reason behind it. This risk to the grid is absolutely without any positive benefit, either in terms of fighting the epidemic or in any other sense that we can think of. Feel good should not be at the cost of risk to the nation. तो हमारी एक फील गुड फैक्टर के लिए हमें देश का ग्रिड के ऊपर इतना भारी बोझ नहीं डालना चाहिए, ना कि देश के सामने ये खतरा पैदा करना चाहिए। ये मेरी अनुरोध होगी प्राइम मिनिस्टर और सब चीफ मिनिस्टर के पास कि दरख्वास्त करें कि इस कॉल को प्राइम मिनिस्टर वापस ले। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज क्लिक। Thank you.